मिष्ठानपुर आप नाम बहुत अच्छा रखा है, सुनकर ही पानी आ जाता है मुंह में। ये क्या है सर, ये भी तो गुलाब जामुन ही लग रहा है। गुलाब जामुन है, लंबा जामुन है। रेस्टोरेंट है तो इसमें वेज नॉन वेज भी होगा। प्योर वेजिटेरियन है सर, प्योर वेजिटेरियन है। ये आपको बहुत अच्छा लगा, वेजिटेरियन लोगों के लिए। टेस्ट काफी डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार खाएंगे तो मन भर जाता है, मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, मन नहीं भरता है। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ मिष्ठानपुर, तो चलते हैं इसके अंदर और यहाँ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। क्या है सर आपके यहाँ का स्पेशल? स्पेशल हमारा है, चाय है स्पेशल। अच्छा, स्पेशल चाय है। हमारे कॉम्बोस हैं, स्पेशल चाय है। मिष्ठानपुर है तो हमको तो मिठाई खाना है। मालपुआ गुलाब जामुन स्पेशल है यहाँ। हाँ तो गुलाब जामुन दीजिए हमें। रसमलाई स्पेशल है। मिष्ठानपुर आप नाम बहुत अच्छा रखे है, सुनकर ही पानी आ जाता है मुँह में। गुलाब जामुन ट्राई किया जाए और तब तक यहाँ का हम आपको दृश्य दिखाते हैं। ऊपर भी है क्या? रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा, ऊपर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में भी चलेंगे और वहाँ पर भी कुछ ट्राई करेंगे। गुलाब जामुन टेस्ट किया जाए और फिर ऊपर चला जाएगा रेस्टोरेंट में। 30 दिसंबर को इसका ओपनिंग हुआ है और हमें लेट तो लग गया आने में, क्योंकि 30 दिसंबर को आपको पता था कि हम मुजफ्फरपुर में नहीं थे, तो आज आए हैं देर से ही। सही आया तो गया, इसको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है। इसका तो काम हो गया, अब ऊपर रेस्टोरेंट में चला जाएगा। गुलाब जामुन तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे और सभी मिठाइयाँ हैं, सर से पूछेंगे इस सब के बारे में। ये क्या है सर, ये भी तो गुलाब जामुन ही लग रहा है। गुलाब जामुन है, लंबा जामुन है। मालपुआ है, गाजर का हलवा है, मूंग दाल का हलवा है जी। आपका रसमाधुरी है, रसमलाई है, राजभोग है, रसगुल्ला है। ये सब तो बाहर भी मिल सकता है, तो लोग आप ही के पास क्यों है, मिष्ठानपुर में ही क्यों है? टेस्ट के लिए लोग आते हैं, टेस्ट के लिए आते हैं। टेस्ट तो वैसे गुलाब जामुन का बहुत अच्छा लगा। बाकी बंगाली स्वीट्स मिलेगी हमारे स्पेशल, पंजाबी फिरनी एक हमारा स्पेशल है, मलाई माधुरी स्पेशल है हमारा। मलाई माधुरी इसमें तो गोल्डन कलर का, बिल्कुल केसर में बना हुआ है, केसर में बना हुआ है, वाह। बाकी काजू की स्वीट्स है, पूरे काजू की स्वीट्स मिलेंगे आपको मिष्ठानपुर। आपका लोगो भी लगा है इसमें? बिल्कुल लगा है, ये हमारा लोगो है जी, सब हमारा लोगो लगा हुआ है। हमारे कुकीज यहाँ खुद बनाते हैं हम, कुकीज और सब मिठाई का तो यहाँ पे भरमार है। अब सब के बारे में बात किया जाए तो ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। ये स्नैक्स है हमारे, स्नैक्स भी है, समोसा वगैरह, सत्तू की कचौड़ी है। आप जरूर आइएगा इन सबको ट्राई करने, अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो, और नहीं है तो आप घूमने भी आते हैं तो आप जरूर आइएगा। वो यहाँ पर सब रेडी होता है। ये हमारा पिकअप काउंटर है, यहाँ छोला भटूरा, पाव भाजी, सभी चीजें डिस्प्ले आपके देखे होंगे, लगे हुए हैं सभी। ये मिष्ठानपुर नाम सुन के आप ये मत समझिएगा कि बस मिठाई मिलता है, ये ऊपर रेस्टोरेंट भी है। इसके बाद हम रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ का आपको दृश्य दिखाएंगे और वहाँ पर जो खाएंगे उसका भी रिव्यू देंगे, तो वीडियो में बने रहिए, चलते हैं ऊपर रेस्टोरेंट। सर भी चल रहे हैं साथ में रेस्टोरेंट। आपने सर अपना नाम क्या बताया था? सुनील नाम है। सुनील नाम हुआ सर का, ये यहाँ के मैनेजर, इनके साथ चला जाए रेस्टोरेंट को कवर किया जाए। वाह, इस रेस्टोरेंट का दृश्य तो देखिए। नीचे तो सुनील सर आपको पूरा डिस्क्राइब किए हैं और यहाँ पर ये हमको सर मिले, क्या नाम हुआ सर? माय नेम इज विवेक पांडे सर, मैं यहाँ का सर फ्लोर मैनेजर हूँ रेस्टोरेंट का। विवेक पांडे सर हैं, ये रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, तो इनसे पूछते हैं रेस्टोरेंट के बारे में और जानते हैं यहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं। इंटीरियर वगैरह आप लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पे डिजाइन वगैरह सारी चीज़ें, बाकी सर जो हमारा मेन कंसर्न है ये रेस्टोरेंट का खोलने के लिए सर,
ये सीधा सर बीकानेर हल्दीराम मोहल्ले का सर कॉन्सेप्ट है सर। रेस्टोरेंट में सर ऑल मेन कोर्स यहाँ पे सर सर्विंग सारी चीज़ें हैं, बाकी मॉकटेल्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें ऑल परफेक्ट। आइए आप सर फैमिली के साथ है, तो इसमें वेज नॉन वेज भी होगा। प्योर वेजिटेरियन है सर, प्योर वेजिटेरियन है। यस, ये आपको बहुत अच्छा लगा, वेजिटेरियन लोगों के लिए। ऑल राइट सर, बाकी सर फैमिली के साथ एक बार जरूर सर मिष्ठानपुर में सर विजिट कीजिए। और सर हमारा फाइन डाइन कॉन्सेप्ट है सर, यस। मान लीजिए रेस्टोरेंट है तो अगर कोई छोटा मोटा बर्थडे पार्टी हो वो भी सेलिब्रेट। ऑल राइट सर। किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सारा कुछ अरेंजमेंट, छोटा मोटा पार्टी वगैरह हो सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो आप जरूर आइए मुजफ्फरपुर के हैं तो, और नहीं है मुजफ्फरपुर के लेकिन मुजफ्फरपुर में घूमने आते हैं तो अभी भी यहाँ पे जरूर रहिएगा। सर यहाँ का एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस बताइए। जी ये है सर कलमबाग चौक पे है, मिष्ठानपुर करके है। मिष्ठानपुर के भी नाम ही इतना अच्छा है कि सुनकर ही पानी आ जाता है। स्वादिष्ट, बिल्कुल। ऑल राइट सर, तो आप यहाँ का ट्राई करते हैं कुछ रेस्टोरेंट में और फिर उसका रिव्यू देते हैं। आपने इस फूड को ट्राई किया है, बता सकते हैं कैसा लगा आपको? फूड काफी टेस्टी है, टेस्ट काफी डिसेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार खाएंगे तो मन भर जाता है, मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, मन नहीं भरता है। तो ऐसा है कि आप बार बार आ सकते हैं, जितनी मर्जी आ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टेस्टी फूड है, यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी सही है। सो ओवर एंड ऑल इट्स रियली नाइस। अभी हमने ऑर्डर किया है चिली गार्लिक नूडल्स, तो आता है तो हम उसका फिर से रिव्यू देते हैं। नीचे आपने गुलाब जामुन का रिव्यू देखा होगा, नूडल्स आने का इंतजार किया जा रहा है। ये सोफ़ा बहुत कम्फर्टेबल है और इधर सब चेयर भी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर किट्टी पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह भी ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सकता है, तो आप इसके लिए आप कहीं जगह ढूंढ रहे हैं तो इससे बेस्ट और क्या सकता है। तो आप ज़रूर आइएगा मिष्ठानपुर में ये सब पार्टी वोटी को सेलिब्रेट करने के लिए। इंतज़ार कर रहे हैं नूडल्स का। ये सर आपको यहाँ की सर चाइनीज स्पेशल डिश सर चिल्ली गार्लिक नूडल सर हम सर्व करने जा रहे हैं आपको जी। मिष्ठानपुर का, मिष्ठानपुर का स्पेशल जी। यस ऑल राइट सर। हमने पूछा था स्पेशल क्या है, क्योंकि हम अभी कुछ खा कर आ रहे हैं तो हमें थोड़ा हल्का फुल्का चाहिए था, तो हमने सोचा नूडल्स मंगाए जाए। जी काफी स्पेशलिटी है सर इसमें, एक बार जरूर आए मिष्ठानपुर में सर विजिट करें और यहाँ का फूड एक बार जरूर सर टेस्ट करें। बस रहने दीजिए उसका बाद जी। ओके सर, टेस्ट करते हैं और इसका रिव्यू देते हैं आपको। यहाँ का हमको सर्विस बहुत अच्छा लगा, तो अब इसका टेस्ट हम आपको बताते हैं कैसा रहे ये। बहुत अच्छा है, थोड़ा इसमें स्पाइसी थोड़ा कम है। हम अभी सॉस लेते हैं तब इसको और अच्छा लगेगा। सर प्लीज सॉस ला दीजिए, क्योंकि हम तो चटपटा खाने वाले लोग हैं। वैसे इसका टेस्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा हमें। ये जिंजर का है। अब हुआ हमारे लायक एकदम तीखा। आपके यहाँ प्योर वेजिटेरियन? प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है तो जरूर आइए, और कहीं मिले ना मिले, यहाँ पे नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं है। इसको खत्म करते हैं उसके बाद आपसे बातें करते हैं। दूसरे जगह का फ्रेंचाइजी लिया गया है कि आपका? नहीं, इनका खुद का सर है। खुद का है जी। अच्छा, इन्होंने खुद का अपना ब्रांड रखा हुआ, ब्रांड रखा मिष्ठानपुर के नाम से सर। ओके, पूरा शिमला मिर्च टमाटर वगैरह सब कुछ है इसमें। ये तो बहुत टेस्टी लगा। खाना पीने वाला काम तो हो ही गया, अब चलते हैं नीचे, पेमेंट किया जाए।
सर फाइनली आप मिष्ठानपुर कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर में सर आपने विजिट किया और यहाँ पे रेस्टोरेंट में सर नूडल टेस्ट किया, कैसे लगा सर यहाँ का टेस्ट? नूडल्स तो बहुत अच्छा लगा, नूडल्स से भी अच्छा हमें आपका गुलाब जामुन लगा जो हमने नीचे ही टेस्ट किया। और गुलाब जामुन का तो जवाब ही नहीं है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी थे। तो गुलाब जामुन तो सबसे बेस्ट है और नूडल्स भी बेस्ट है, तो आप जरूर आइएगा इस रेस्टोरेंट में। और बाकी सर एक बार मिष्ठानपुर कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर में सर जरूर विजिट कीजिए, बेकरी रेस्टोरेंट स्वीट शॉप सर सारी चीजें उपलब्ध है यहाँ पे। ओके सर थैंक यू। और यहाँ का दृश्य भी बहुत शानदार है, आप लोग को यह ब्लॉग कैसा लगा ये आप जरूर बताइए कमेंट करके, और इसके बाद हम कहाँ जाएं वो भी आप जरूर बताइएगा। तो बाकी चलते हैं पेमेंट करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।